Hi everyone, welcome to Psychoros. I am Tanisha and today I'm here to share some tips on how to score 90 plus in your board exams and how I myself managed to get a 97 including both term 1 and term 2. So let's get started. The first thing is to change your mindset, and by that I mean that you need to realize that you are studying for yourself and that you are responsible for your own result. हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, ना पेरेंट्स के लिए करना है, ना टीचर्स के लिए करना है, खुद के फ्यूचर के लिए करना है. जब आप ये रियलाइज कर लोगे ना, आप सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे पढ़ने के लिए. ठीक है, लेट्स कम टू द सेकंड स्टेप. नाउ सेकंड स्टेप इज फाइंडिंग योर कम्फर्ट स्पॉट. एंड कम्फर्ट स्पॉट ऐसा मतलब एक एरिया जहां आप जेन्युइनली बैठ के पढ़ सकते हो. ठीक है, वहां कैसी लाइटिंग है, कैसी वाइब है उस एरिया की. एंड एक और चीज, मतलब सारा सामान अपना एक जगह पे रखो. ठीक है, ऑल योर बुक्स, स्टेशनरी, वाटर, खाना, एवरीथिंग, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो बार बार और टाइम भी मतलब वेस्ट ना हो. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप विच इज कंसिस्टेंसी एंड सेइंग नो टू प्रोकेस्टिनेशन. तो सबसे पहले वी नीड टू फिगर आउट कि हमें दिन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है या रात के टाइम पढ़ना अच्छा लगता है. वैसे पर्सनली मैं दोनों टाइम किया करती थी. जब मुझे कुछ बहुत डीप और डिटेल में पढ़ना होता था तो मैं रात को पढ़ती थी शांति में एकदम. एंड दिन के टाइम मैं नोट्स बनाया करती थी, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते थे वो सब किया करती थी, वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के, क्योंकि आई यूज्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल एंड दैट काइंड ऑफ पुश्ड मी टू वर्क. एंड आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स फॉर यू और नॉट, बट यू नीड टू फाइंड कि आपको क्या सही लगता है. ठीक है, ओके. सेकेंडली प्लान बनाना है. प्लान ऐसे बनाना है कि सब्जेक्ट लिखने हैं सारे, सब्जेक्ट के अंदर सारे चैप्टर्स लिखने हैं जो जो सिलेबस में है, उन सब के आगे वेटेज लिखनी है. ठीक है, अब उसके आगे सारे चैप्टर्स के आगे तीन बॉक्सेस बनाने हैं. वन फॉर नोट्स, सेकंड फॉर रेफरेंस बुक एंड थर्ड इज फॉर क्वेश्चन आंसर्स या वर्कशीट जो भी स्कूल प्रोवाइड करती है. ठीक है, इन सारे बॉक्सेस पे एक एक करके टिक लगाते जाना है जब तक आप काम करो. और इसे कहाँ स्टिक करना है इस प्लानर को, नियर योर स्टडी टेबल और जहाँ भी पढ़ते हो. ठीक है, एंड हो सके तो राइट द मंथ्स कि कितने मंथ्स में कितने चैप्टर कवर करने हैं, सो यू विल नो योर प्रोग्रेस. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी दिस रियली हेल्प्स अ लॉट. लाइक मेरे को खुद पता चला था कि मेरी क्या हालत है जब मैंने लिस्ट तैयार करी थी, तो दिस रियली हेल्प्स. ठीक है, तीसरी चीज जो हम करेंगे वो है एनी एक्टिविटी विच मोटिवेट्स यू. ठीक है, कुछ भी हो, वेदर इट्स कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि बोर्ड्स का प्रेशर होता है और एक्सटर्नल लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, सो वी नीड टू डू समथिंग जो हमें मोटिवेटेड रखे. ठीक है, एंड देन लास्टली वी नीड टू सेट आर ओन बाउंड्रीज. हमें अपनी खुद की लिमिट पता होती है. ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि दूसरे लोग कहते हैं या टीचर्स कहते हैं कि 6 से 8 घंटे पढ़ना चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी. अगर 2 घंटे पढ़ सकते हो सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, बट एटलीस्ट कुछ करो. यू विल ऑल्सो फील सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे कि कुछ किया है. ठीक है, एंड जब इस चीज को प्रैक्टिस करने लग जाओ तो धीरे धीरे लिमिट बढ़ाओ जैसा सही लगे. एंड ऑल्सो ट्राई टू फोकस ऑन द वीकर सब्जेक्ट्स मोर. ठीक है, वीक या फिर टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स पे करना है सबसे पहले, क्योंकि वी यूजली टेंड टू यू नो बार बार उसे हम आगे की तरफ करते रहते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बट लास्ट मिनट बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है. सो दैट इज वाई हमें पहले थोड़ा वीक सब्जेक्ट से फोकस करेंगे, फिर हम ईजी सब्जेक्ट्स करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द पर्सनल टिप्स विच आई ऑल्सो फॉलोड इन माई 12th, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड बहुत जल्दी मैं सारे चैप्टर्स की वीडियोज भी अपलोड करूंगी एक्सप्लेनेशन की. थैंक्स फॉर वॉचिंग.